हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी, आई होप वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 18। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस इन ए क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक क्लोज लूप, दी क्लोज लूप जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लोज लूप सर्कुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये क्लोज लूप है, तो इस टाइप की टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं जो क्लोज्ड लूप वाली होती है। ठीक है, ना ही स्टार बोलेंगे, ना ही बस बोलेंगे, ना ही मैश बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या होता है? देखिए, आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, ऑफिस में आपके 5,500 कंप्यूटर हैं, आपने उनको लैन के माध्यम से एक साथ जोड़ दिया, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? प्राइवेट आईपी यूज करेंगे। लेकिन जब भी आप प्राइवेट उसको इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको वो आईडी प्राइवेट नहीं हो जाती, पब्लिक हो जाती है, और पब्लिक में आपको दूसरी आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? नेट क्या काम करता है? ये कहता है ट्रांसलेटिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये नेट का काम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, विच टीसीपी या आईपी, ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन अ क्लाइंट एंड ए सर्वर ओवर द नेटवर्क। तो फाइल है तो ये क्या है? ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, एचटीटीपी क्या है? ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और एसएनएमपी क्या होता है? सिंपल नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सब बता दिया आपको, देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, वैन होता है। ठीक है, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? उसका पर्पस है सेपरेटिंग अ फिजिकल नेटवर्क इंटू मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क। ठीक है, जो फिजिकल नेटवर्क है उसको सेपरेट करना किसमें? मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क्स में। अगर हम क्वेश्चन फिफ्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल प्रोवाइड द हाइएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, जो आप इंक्रिप्शन करते हैं प्रोटोकॉल प्रोवाइड में, तो हाइएस्ट सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है आपको? ये करता है VPA2। आपको पता है इंटरनेट पर आपकी इंफॉर्मेशन कितनी लीक रहती है, तो जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कराएगा वो VPA2 कराएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं, तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने क्या फंक्शन है? देखिए, जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन तो बहुत हैं। ठीक है, जितना भी गिनवाए, तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज भी करेगा, मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट ये भी करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट भी करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट भी करेगा, तो ये तो सब करेगा, यही हो रहा है शक्तिमान, है ना। देखिए, जैसे कि आपको पता है EMR से रिलेटेड जो जनरल पेपर है, जो TGT PGT में जो जनरल टॉपिक्स आएंगे सब के में, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, GS से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ICT से रिलेटेड भी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, NEP से रिलेटेड मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, आप जाकर प्लीज़ जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। NCF से रिलेटेड, जो NCF 2007-2023 से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है उनकी मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड मैंने दो वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आप प्लीज़ जाकर चेक कीजिएगा। ठीक है, इसके बदले मुझे क्या चाहिए? आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा।
प्लीज इधर मेरे लिए कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड कराता है इंटरफेस फॉर द यूजर ऑफ इंटरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम तो स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए कोई भी अगर स्पेशल पर्पस है तो उसके लिए आपको अलग ऐप यूज करना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी जरूरत क्या पड़ी, कब पड़ती है, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ती है टू प्रोसेस एंड रेंडर ग्राफिक्स, ऑप्शन सी। देखिए आपको पता है जितने भी जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं उन सब में आपको ग्राफिक्स की जरूरत पड़ती है, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोसेस एंड रेंडर ग्राफिक्स। क्वेश्चन अगर हम 9 की बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ द मदरबोर्ड इन ए कंप्यूटर, मदरबोर्ड का क्या रोल होता है, ठीक है, मदरबोर्ड का क्या रोल होता है, टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन का फैसिलिटेट करना। क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर हम आए हैं तो विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई द CPU फॉर स्टोरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसी कौन सी जो मेमोरी है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल है बाय द CPU, ठीक है, कौन सी है, कैश मेमोरी है, ठीक है, जिसको हम टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं। देखिए आपको पता है जब सिस्टम आप ओपन करते हैं तो उसको ऑन करने के लिए आपको बूट करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत है, वो कैश मेमोरी का काम करती है, ठीक है, ताकि आपका डाइट चल जाए, कोई दिक्कत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्सपेंसिव कार्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम, तो आप एक्सपेंसिव कार्ड लगाते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है बताइए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, टू ऐड न्यू फीचर एंड फंक्शनैलिटी ऑन ए कंप्यूटर, भाई जब नए फीचर ऐड करने पड़ेंगे, जब आपको लगेगा कि आपकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, आपका वर्क लोड बढ़ रहा है, तभी तो आप उसमें एक्सपेंसिव, ठीक है, कार्ड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द UPS, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इन ए कंप्यूटर, मैंने यहीं पर बता दिया आपको आंसर, तो यहीं पर पता है, ठीक है, जहां पर लिख गया है अनइंटरप्टेबल, आपको इंटरप्ट ना किया जाए पावर सप्लाई में, तो इसका क्या होगा, टू प्रोवाइड अ स्टेबल पावर सप्लाई एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर आउटेज, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, टू प्रोवाइड ए स्टेबल पावर सप्लाई एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर आउटेज। और क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द कूलिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए अब कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें फैन लगे होते हैं, ठीक है, हीट सिंक्स लगी होती है, ये किस लिए लगी होती है, ये किस लिए लगी होती है, टू मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग, ठीक है, ताकि जो CPU है आपका वो ओवर हीट ना करे और जो आपका टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पावर सप्लाई यूनिट PCSU इन ए कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या करता है, टू प्रोवाइड पावर टू ऑल कंपोनेंट्स, सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात है बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज द डिफरेंट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो कैसा होता है, वो होता है लेफ्ट, कैसा होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑप्शंस अलाउ यू टू अप्लाई अ डिफरेंट हेड एंड फुटर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द वर्ड, तो ये क्या होता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये कैसा होता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर सेविंग मैक्रोज इन MS वर्ड,
तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है जो सेविंग करेगा मैक्रोस का, तो देखिए यहाँ पर मैक्रोस लिखा है ना, जहाँ पर मैक्रोस है यहाँ एम है, तो ये इस फॉर्म में सेव होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट फीचर इन एमएस वर्ड। जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसका पर्पस क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, टू क्रिएट लिस्ट इन फिगर्स एंड टेबल। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑप्शन अलाउ यू टू अप्लाई अ डिफरेंट हेडर एंड फुटर इन द फर्स्ट पेज ऑफ द, ये किसके थ्रू होगा? ये होगा डिफरेंट फर्स्ट पेज के थ्रू होगा, डिफरेंट फर्स्ट पेज के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ सेविंग मैक्रोस इन एमएस वर्ड। यहां पर मैक्रोस आ गया ना, यहां पर देखिए एम है, तो ये इस फॉर्म में सेव होगा, डॉक एम, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें, ये है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट फीचर्स इन एमएस वर्ड। देखिए आप कोई भी है, अगर आप नोटबुक बनाए हैं, जब भी आपने नोटबुक बनाया होगा तो आपको दिखा होगा उसमें स्टार्टिंग में आप क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं ताकि सब चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए। तो इसमें क्या होगा, हर पैराग्राफ का आपकी हेडिंग आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये किस लिए होता है, इसका पर्पस ये होता है टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ द हेडिंग एंड सब हेडिंग। उसका क्वेश्चन 19 है, हाउ कैन यू ऐड द वाटरमार्क ऑन अ डॉक्यूमेंट इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। देखिए जो खासकर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, देखिए MS 2007 का यूज़ करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जो लेकिन जो जिनको ज़्यादा काम है वो क्या करेंगे, वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और वो कैसे होगा, उसमें जो आपका वाटरमार्क लगेगा वो किस में लगेगा, वाटरमार्क लगेगा आपका डिज़ाइन में, वाटरमार्क डिज़ाइन में लगा के, ठीक है, डिज़ाइन में वाटरमार्क लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल। जो फॉर्मेट सेल है डायलॉग बॉक्स वो कहाँ पर, उसके शॉर्टकट की क्या है उसे ओपन करने के लिए, ये कंट्रोल प्लस वन से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इन एक्सेल। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसका, स्क्वायर रूट सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल है ना, देख लीजिए। अगर हम क्वेश्चन 22 है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट इन एक्सेल। ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जो यूज की जाती है टू इंसर्ट द करंट डेट, करंट डेट के लिए, तो वो क्या है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन यूज किया जाता है करंट डेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इन एक्सेल। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है जैसे 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ये क्या कितना बना, 3 × 2 = 6 × 24, ठीक है। 5 का कितना हो गया, 5 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना बना, 120।
सिक्स का कितना, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितना बना 720। तो ये फैक्टोरियल होते हैं। अगर आपका फोर का कोई फैक्टोरियल पूछे तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे आप 24, फाइव का पूछेगा तो 120 और सिक्स का फूटेगा पूछेगा तो 720, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इन एक्सेल, किस चीज़ का यूज़ किया जाता है इसमें, इसमें फैक्ट का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी फैक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन यू कैन यूज द शॉर्टकट की, किसका यूज करेंगे इसमें, हम इसका यूज करेंगे हम इसमें कंट्रोल प्लस एम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट फीचर अलाउ यू टू रिकॉर्ड द प्रेजेंटेशन एज ए वीडियो, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग ना कि एक्सपोर्ट। ठीक है, रिकॉर्ड वर्जन एक्सपोर्ट टू वीडियो कुछ नहीं होता। अब देखिए, कमेंट योर आंसर, जाहिर सी बात है ये 25 क्वेश्चन आज के मैंने करा दिए, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय ए कंपनी, किस पर किसी भी कंपनी का कोई भी अधिपत्य नहीं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप मुझे बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक